हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, शैम्पू बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है हेयर केयर का, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, विदाउट शैम्पू हेयर को क्लीन करना पॉसिबल नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम रेंडमली किसी भी शैम्पू को यूज कर लेंगे, क्योंकि मार्केट में मिलने वाला ज्यादातर शैम्पू ही टॉक्सिक है। और इन टॉक्सिक शैम्पू के वजह से हेयर फॉल, हेयर ग्रे जैसा छोटा प्रॉब्लम तो छोड़ो, हमें सीरियस हेल्थ इशू भी हो सकता है। पर डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना। मेरे रहते हुए आप लोग गलत प्रोडक्ट यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये चैनल है जेन्युइन प्रोडक्ट का ठिकाना। तो याद से सब्सक्राइब कर लेना अगर जेन्युइन प्रोडक्ट चाहिए तो। सो आज मैं और एक शैम्पू का रिव्यू लेके हाजिर हो चुकी हूँ, और आज हम रिव्यू करेंगे हर्ब साइंस हेयर नरिशिंग प्रो विटामिन कैरोटीन शैम्पू का, और देखेंगे क्या ये हमारे यूज के लायक है या नहीं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइस से, इसका प्राइस है 30 ml का 495 rupees। इतना महंगा हम जैसे गरीब कैसे लेंगे। मैं गरीब हूँ। इसका प्राइस देख के आगे रिव्यू करने का तो मन नहीं कर रहा है, पर दिल पे पत्थर रख के करना पड़ेगा सिर्फ आप लोगों के लिए। छुट्टी। सो इसके बाद देखते हैं इसने क्या क्लेम किया है, कितना फेंका है। इस शैम्पू में बहुत ज्यादा अमाउंट में फाइटो कॉम्पाउंड है जो डेंड्रफ कॉजिंग फंगी से फाइट करता है। देन इसके बाद इस शैम्पू में विटामिन सी, विटामिन ई, बायोटिन, विटामिन ए, एमिनो एसिड, ओमेगा फैटी एसिड एंड मिनरल्स है जो हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और ये शैम्पू ऑल हेयर टाइप के लिए सुइटेबल है। इसके बाद इस शैम्पू को हर्ब साइंस कंडीशनर के साथ यूज करने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, इसने जो क्लेम किया है अच्छा लगा। सो इसके बाद देखते हैं इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट। इसमें यूज हुआ है एलोवेरा, शिखाकाई, रीठा, आमला, ब्रिंगराज, हेना, ब्राह्मी, गुंजा, हिबिस्कस, एक्वा, लोर ऑयल, ग्लूकोसाइड, कोको ग्लूकोसाइड, सोडियम ग्लूकोसाइड, केमोमाइल रोमन ऑयल, केप्राइल ग्लूकोसाइड, जेंथोन गम, बेंजिक एसिड, करंजा ऑयल। क्या बात है दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हो इंग्रेडिएंट वाइज बहुत ही अच्छा है। 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है इसे। बट खुदा ना खास्ता ये इसका की इंग्रेडिएंट हो तो मुझे गाली मत देना, क्योंकि मैंने इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट इसके वेबसाइट से लिया है। सो दोस्तों, आज यहीं तक। पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।